आजकल ये मैं देख रहा हूँ ना, इंडिया 3-4 मैच से बहुत बुरा खेल रही है भाई। 3 मैच कंटिन्यू हार चुकी है। कोई बात नहीं, ये भी हार जाएगी। वो भी इतनी बुरी तरह से हार दी है भैया। यस ब्रो, पाकिस्तान से हमेशा हारते आ रही है, आज भी लाइक सीरियसली लास्ट 7 बार हार चुकी है इंडिया, अभी 8वीं बार हारने जा रही है। शर्म भी नहीं आ रहा है इंडिया को थोड़ा भी। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं व्लॉग तब स्टार्ट कर रहा हूं जब एक इनिंग खत्म हो गई है, क्योंकि सीरियसली मैं सोचा थोड़ा देख लूं उसके बाद ही व्लॉग स्टार्ट करूं। अब क्या बोलूं मैं तो ही भाई, लिटरली 150 रन पे 2 विकेट था भाई, अगले 40 रन पे ऑल आउट। अरे इतना भी छोड़ो, मैं ममतलब मोबाइल चला रहा था, फिर मैंने देखा 7 विकेट था, ठीक है। फिर मैंने 4 रील 5 रील स्क्रॉल किया, देखा भैया 9 विकेट। और उसके बाद वापस थोड़ा तो खेलना चाहिए था यार, शर्म करो थोड़ा सा शर्म। लेकिन अभी फायदा नहीं, क्या पता डिफेंड कर लेगा। क्या पता 280 तक, अरे मतलब क्या मतलब डिफेंड कर लिया तो इतना कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मतलब इंडिया के बॉलर ही इतना बना के चले गए। पाकिस्तान के बॉल पे तो ऐसा लाइक सीरियसली लोग 2 मिनट में सब गायब गए। मेरे को ना स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने शुरुआत किया था, मेरे को लगा था एटलीस्ट 300 तक जाएगा। स्टार्टिंग में अच्छा खेल रहे थे। मेरे को लगा आज 7-0 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। पता चल गया। ओके फाइन, सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट कितना ही बज रहा है, अभी एक इनिंग खत्म हो गई है। और मेरे को एक इनिंग खत्म करने से पहले मेरे को ब्लॉग स्टार्ट करने का मन भी नहीं कर रहा था। सो अब भी जस्ट स्टार्ट करो, अभी जाता हूँ थोड़ा मस्त, एकदम मस्त नहाता वहाता हूँ, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होता हूँ, फिर भैया फिर से आएगा, थोड़ा पक पक करेगा। नहीं भैया, मैंने एक चैलेंज लेने की सोच रहा हूँ। ले ले भाई, जब कंटेंट नहीं मिलता तो चैलेंज लेना पड़ता है। कंटेंट नहीं मिलता चैलेंज, ये लेने वाला हूँ कि Being blind for 24 hours. अरे हगी कैसे पानी कैसे। ओके फाइन, सो आज ब्लॉग के नाम पे मैं सिर्फ यहाँ पे ये देख रहा हूँ, ये ऐसा मैं भी करता हूँ। ब्लूस्टिंग पीता हूँ, मतलब एग्जाम के लिए लेट होता, ब्लूस्टिंग पीता, तुरंत एग्जाम का लिख के वापस आ जाता हूँ। तो अभी इंडिया की हालत ये है। आजकल ये मैं देख रहा हूँ ना, इंडिया 3-4 मैच से बहुत बुरा खेल रही है। 3 मैच कंटिन्यू हार चुकी है। कोई बात नहीं, ये भी हार जाएगी। वो भी इतनी बुरी तरह से हार दी है भैया। यस ब्रो, पाकिस्तान से हमेशा हारते आ रही है, आज भी लाइक सीरियसली लास्ट 7 बार हार चुकी है इंडिया, अभी 8वीं बार हारने जा रही है। शर्म भी नहीं आ रहा है इंडिया को थोड़ा भी। रोहित खेलता क्यों नहीं, मेरे को समझ देखो, मतलब 57-80 रन ही बनाया है सिर्फ। बाबर आजम को देख ले अब, ये देखो देखो, इस गेंद को इसे कोई बाउंड्री के बाहर थोड़ी ना भेजा जाता है। हाँ समझाओ जरा इनको, सिंगल लिया जाता है, सिंगल आउट हुआ जाता है। और इसी के साथ इंडिया एक और बार हारते हुए, बस भाई जोक खत्म कर भाई। क्या मैं क्या तारीफ करूँ, मतलब इसमें क्या तारीफ करूँ मैं। देख रहा है इधर, इसे बोल रहे सेलिब्रेशन हो रहा है, बाकी बाकी टीम के साथ जीतती है, हाथ मिलाती है, चल देती। लेकिन आज यहाँ प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत डांस वगैरह हुआ, अरिजीत सिंह जानबूझ के हाइप क्रिएट करते हैं। हाइप क्रिएट कर, ठीक है भाई। नाउ इनफ क्रिकेट यार, मतलब जब से मैंने ब्लॉग शुरू किया तब से क्रिकेट ही क्रिकेट दिखा रहा हूँ। क्या मतलब क्या है ये सब, जब से उठा हूँ तब से क्रिकेट, क्योंकि मैं वही कर ही रहा हूँ ना। और जैसे तुम लोग जानते हो, मैं वही दिखाता हूँ जो मैं करता हूँ। अच्छी बात है। मतलब कभी देखा कुछ एक्स्ट्रा किया हो ब्लॉग के लिए? नहीं। जो तेरे नेचुरल लाइफ है वही दिखाता है। एग्जैक्टली। अच्छा लग रहा है, मतलब इतना खुश, मैं दिल से खुश हूँ, इंडिया हार गई। रोहित शर्मा ने लास्ट 8 बार खेल नहीं पाया, इसलिए मजा आ गया। रोहित शर्मा खेलने में तो मुझे अच्छा लगता है। देख पाकिस्तानों में सबसे बेस्ट बात लगती है पता है, अभी मैं सेम चीज भाई से बात कर रहा था, वो लोग ना सबको बैटिंग देते हैं, सबको मतलब कि इंडिया वालों को देख, अभी खाली 2 लोग खेल के चले गए, बट पाकिस्तान ने सबको बैटिंग दिया। इंडिया में सब बैटिंग के भूखे, वही ना। और पाकिस्तानों ने सबको एकदम प्रॉपरली एक एक को खिलाया अच्छे से, फिर गया देख ना। इसीलिए रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान यार, रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान, दिल से रिस्पेक्ट। सो फाइनली हम तीनों जाने वाले थे मैकडी, बट जा रहे नहीं है, पूरा लाइट मुंह पे आ रहा है ना, तो पूरा मेरा फेस शाइन कर रहा है। सो बेसिकली हम लोग जस्ट ऐसे ही नॉर्मल वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, मैं, ये रोहित शर्मा, और वहाँ पे सॉरी रोहित शर्मा, और यहाँ पे विराट कोहली। क्या बोला क्या? फाइनली गाइस वॉक करते करते मैं कहाँ आ गया हूँ तुम लोग ही देखो, मतलब
क्या सही लग रहा है ये टाइम पे, मोस्ट पीसफुल प्लेस इन इंडिया वही बहुत सही लग रहा है देखना, मतलब कितना ज्यादा सही है, मतलब यहाँ पे वॉक करना, नाइट वॉक करना, यही चीज वहाँ पे भी है लेकिन वहाँ का और यहाँ का कितना डिफरेंस, वही ना, वहाँ पे बहुत लोग है बट यहाँ पे एकदम शांति शांति, वैसे है तीन लोग, शैडो छह लोग का दिख रहा है, डर लग रहा है मेरे को बिकॉज़ आई एम क्रिस। तो देखोगे ना तो ये सब काफी अच्छे कंडीशन में, और जबकि जहाँ येलो के एरिया में जो बना हुआ है वो पूरा मतलब तहस नहस हो चुका है। इससे मालूम पड़ता है कि देश को आगे बढ़ाना है तो खुद पहले सुधर जाओ थोड़ा। अब थोड़ा जिम कर लेते, बहुत हो गए ज्ञान की बातें। और अभी तो फिलहाल मेरे जस्ट घर के पीछे साइड भी बहुत सारी लाइटें लाइट लगी क्योंकि वहाँ पे दुर्गा माता बैठने वाली है और वहाँ पे बहुत बड़ा गरबा होने वाला, लाइक बहुत अच्छा वाला, मतलब दूर दूर तक सबसे बेस्ट गरबा वहीं पे होता है और जस्ट उसके पीछे ही मेरा घर है। ओके फाइन, सो अभी जस्ट निकल गया हो और पीछे साइड इतना बड़ा सा वो हो रहा है ना, लाइक इतनी ज़्यादा पब्लिक है, इतना ज़्यादा ढोल बज रहा है, ऐसा दिल धड़कता है मालूम है, काफ़ी बड़े लेवल पे। सो फाइनली हम लोग मैकडॉनल्ड में पहुँच गए हैं, चलो चलते ही। ओके फाइन गाइस, सो फाइनली आ चुके हैं और मेरे मुँह पे इतना लाइट यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से एकदम सूरज के नीचे बैठा, देखो इसके मुंह पे भी लाइट आता होगा। हेलो आ रहा है। ओके फाइन, सो फाइनली मैं ग्राउंड से निकल चुके हैं, गए थे 1 2 3 1 2 3 और आया एक और 4 सिंगर, 10 सिंगर। अब चलते फटाफट से घर पे, कुछ खाया तो हो नहीं, सिर्फ ऐसे ही बैठा ही था। ओके फाइन, सो लाइक अभी जस्ट घर पे पहुंच गया हूँ और भैया सीरियसली मैं आ रहा था ना तो एकदम पूरा रोड जैम था, एकदम बड़ा सा, मतलब समझ रहे हैं एकदम पूरा ऐसा चला सो मुझे फ्री टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू यूपी, मुंबई टू यूपी मतलब अपने गांव तक फ्री मेट्रो। यस फ्री मेट्रो, घर पे कोई छोड़ता है नहीं, यहाँ बाजू के लिए देखो जाऊँगा मैं, एग्जाम के बाद ही जाऊँगा, फ्री में ट्रैवल करूँगा पूरा। ओके फाइन, सो आते ही मैंने DSLR उठाया, बट जैसे ही मैंने DSLR उठाया आने वाले 10 सेकंड में DSLR की बैटरी फुश, तो मैंने सोचा वैसे भी सिर्फ लास्ट का ही वो कुछ रह गया तो फिर अब उसके लिए DSLR को चार्ज लगा के वेट करने की जरूरत, तो फिर मैंने हमेशा के लिए वापस पकड़ लिया GoPro। GoPro में ना जल्दी चार्जिंग खत्म होता है, ना जल्दी इसका कोई दिक्कत है, कोई स्यापा है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, एकदम बेस्ट है। सो यार आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, नहीं आया तो ठीक है कोई बात नहीं, और अगर आ गया तो भी कोई बात नहीं, बाय।